हेलो गाइस, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेस। आज हम बात करेंगे जो आगामी भर्ती है राजस्थान पुलिस की, उसके अंदर जो सिलेबस में दे रखा है जनरल साइंस के तीन पार्ट है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिक्स, यानी कि भौतिकी के अंदर हम जो पहला पार्ट लेते हैं वो है धारा का, यानी कि धारा क्या होती है। धारा को समझने के लिए हम पहले आवेश को समझते हैं, यानी कि आवेश क्या होता है। पहले देखते हैं हम आवेश क्या होता है। द्रव्य का वह भौतिकी गुण, जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में बल का यानी कि फोर्स का अनुभव करे। ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र यानी कि फोर्स का अनुभव करे, वो क्या कहलाता है? आवेश। आवेश जो आवेश पर जो चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। और ये नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। कूलम्ब क्या होता है? आवेश का SI मात्रक जो होता है वो आवेश का कूलाम होता है, यानी कि आवेश का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलाम। इसके आगे हम बात करेंगे धारा की, यानी कि धारा क्या होती है। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम? धारा, यानी कि I = Q/T। अब धारा बहने के लिए हमें परिपथ की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए परिपथ कैसा होना चाहिए? इसके लिए परिपथ सतत और बंद होना चाहिए। यानी कि कहीं से भी परिपथ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम दो परिपथ लेते हैं, एक में हमने बल्ब जोड़ दिया और ये यहाँ से टूटा हुआ है, दूसरे में हमने बल्ब जोड़ा जो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, यानी कि जो सतत और बंद परिपथ है उसी में धारा का प्रवाह होगा, इसमें नहीं होगा, यानी कि ये परिपथ गलत हो जाएगा और ये परिपथ सही हो जाएगा। इसके आगे हम धारा को समझते हैं। इसको धारा को समझने के लिए हम डायग्राम लेते हैं, डायग्राम के अंदर जो हम कंपोनेंट यूज में लेने वाले हैं, जो वो पहला है प्रतिरोध, दूसरा है वोल्टमीटर जो कि विभव का मापन करता है, और तीसरा है एमीटर जो कि धारा का मापन करता है, यानी कि आई का, ये विभव का मापन करता है। चौथा लेते हैं हम सेल, जिसका बड़ा सिरा प्लस का होता है, छोटा सिरा माइनस का होता है, ठीक है। और पांचवा लेते हैं हम कुंजी, यानी कि जो ऑन ऑफ को दर्शाएगी, ये ऑफ को दर्शाएगी और ये ऑन को दर्शाएगी। यानी कि पहला कंप्यूटर ले लिया हमने प्रतिरोध, दूसरा वोल्टमीटर जो कि हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है, और ये जो एमीटर है ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है जो कि धारा का मापन करता है। सेल हमें धारा प्रोवाइड करता है, और जो ये है ऑन ऑफ कुंजी को दर्शाता है, यानी कि परिपथ बंद है या चालू। इसके आगे हम परिपथ का निर्माण करते हैं, यानी कि इसका परिपथ कैसे बनेगा, तो परिपथ देखते हैं। इसमें हम पहले प्रतिरोध जोड़ेंगे और प्रतिरोध के समांतर में जोड़ेंगे वोल्टमीटर जो कि इन दोनों चीजों के विभव का मापन करेगा, और एमीटर जो है वो हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, और यहाँ हम सेल जोड़ेंगे जिसका बड़ा सिरा प्लस का होगा और छोटा सिरा माइनस का होगा। और यहाँ पे हम कुंजी जोड़ देते हैं जो कि ऑन ऑफ को दर्शाती है। अभी ये बंद है, अगर इसको चालू करना है तो इसको हटा देंगे और इसके अंदर धारा प्रवाह हो जाएगी, यानी कि ये ऑन ऑफ को दर्शाती है। ये क्या है? ये ऑन को दर्शाती है और ये ऑफ को दर्शाती है। इसमें हमने धारा देख लिया। धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। और ये जो धारा का मापन करता है वोल्टमीटर विभव का मापन करता है। तो ये हमने डायग्राम द्वारा समझ लिया, और ये इसका क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं, इनकी जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं, जो हम आगे हम क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। हमें पता है विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, जो कि जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कूलाम कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। एम्पियर जो होता है वो धारा का मापन होता है, धारा का एसआई मात्रक होता है। ओम जो होता है प्रतिरोध का, और वोल्ट जो होता है वो विभव का, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा दे रखा है वोल्ट क्या कहलाता है, वोल्ट जो है वो ऐसा ही मात्रक होता है विभवांतर का। तो विभवांतर को हम समझेंगे कि विभवांतर होता क्या है। विभवांतर होता है किसी एक कूलाम आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु की ओर ले जाने में जो किया गया कार्य है वो विभवांतर के ए और बिंदु बी के मध्य का जो विभवांतर है उसके बराबर होता है, यानी कि वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। एक कूलाम आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु की ओर ले जाने में जो किया गया कार्य है वो ए तथा बी बिंदु के मध्य जो विभवांतर है उसके बराबर होता है, यानी कि V बराबर W अपॉन Q। V का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का जो एसआई मात्रक होता है हमने देखा था पहले क्वेश्चन में कूलाम, तो यह क्या हो गया जूल पर कूलाम, यानी कि वोल्ट का क्या होगा जूल पर कूलाम। तो इसमें हम देखेंगे जूल पर कूलाम किस ऑप्शन में, जूल पर कूलाम इसके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एमिटर जो है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमिटर जो है हमारे धारा का मापन करता है परिपथ के अंदर, जिसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसमें श्रेणी क्रम कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ए ऑप्शन। जो समांतर क्रम में जुड़ता है वो होता है वोल्टमीटर, जो कि समांतर क्रम में जुड़ता है, जो कि विभव का मापन करता है। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, पहले हम समझते हैं कि ओम का नियम होता क्या है। ओम का नियम होता है किसी धातु से बने तार में ए तथा बी बिंदु में अगर धारा प्रवाहित करे, किसी धातु से बने तार में अगर हम धारा प्रवाहित करें ए बिंदु से बी बिंदु की ओर, तो ए तथा बी के मध्य का जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होगा, यानी कि वी समानुपाती आई, वी समानुपाती आई। अगर हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, वी बराबर आई आर। आर जो है यहाँ प्रतिरोध को दर्शाता है, आर जो है यहाँ पे प्रतिरोध को दर्शाता है, धारा जो है धारा दर्शाती है, और वोल्टमीटर विभव को दर्शाता है, यानी कि वी बराबर क्या हो जाएगा आई आर। ये हमें याद रखना है। हमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमें यह याद रखना है कि V बराबर आई आर ओम के नियम से आता है, यानी कि इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का हमने एसआई मात्रक देखा था एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। वोल्ट जो होता है वो विभव का, ओम जो होता है प्रतिरोध का, और जूल जो है एनर्जी का होता है, जूल जो होता है एनर्जी का, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं हम, एमिटर, जो कि परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो इतना होता है, हमें जो याद रखना है, यानी कि एक किस ऑप्शन में दे रखा है, माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। इसमें माइनस किसी में नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है, लेकिन इसमें यहाँ पे नहीं दे रखा, तो इसमें हम यहाँ पे माइनस ऐड करेंगे और ये क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमने देखा था ओम होता है, जो कि इसके सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। एम्पियर जो होता है वो धारा का मात्रक होता है, कूलाम जो होता है आवेश का, और जूल का हमने देखा था एनर्जी का होता है। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट,
जो कि इसके सी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। ये हमें याद रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। अब हम इसको समझेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है किसी धातु से बने एक समान चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के तो क्या होता है समानुपाती, तथा क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि किसी धातु से बने एक समान चालक का जो प्रतिरोध है वो इसकी लंबाई की तो क्या होता है समानुपाती, तथा क्षेत्रफल की क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। क्या हो जाएगा, आर समानुपाती वन अपॉन ए। तो इसके आगे हम देखते हैं कि क्या इसका क्या हो जाएगा, आर समानुपाती एल अपॉन ए। अगर हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो हम जाने कि विशिष्ट प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो तीन बातों पर निर्भर करता है, पहला है इसकी लंबाई, दूसरा क्या है इसका क्षेत्रफल, तीसरा क्या है इसकी प्रकृति। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमें याद रखना है, इनकी विशिष्ट प्रतिरोध जो है किन बातों पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो निर्भर करता है, पहला है लंबाई, दूसरा है क्षेत्रफल, और तीसरा है इसकी प्रकृति पर। जो विशिष्ट प्रतिरोध तीन बातों पर निर्भर करता है, ये हमें याद रखना है। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट, यानी कि वाट बराबर क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वाट जो होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन जो होता है वो विद्युत क्षेत्र में बल का होता है, और वोल्ट जो होता है वो विभव का, जूल जो होता है एनर्जी का होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कूलम होता है, एक कूलम हमने देखा था कि धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम, धारा, यानी कि आई बराबर क्यू अपॉन टी। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और कूलम का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम, और इसका सेकंड हो जाएगा, यानी कि सब में वन वन दे रखा है तो इसका वन वन कर देंगे। तो हमें पूछ रखा है एक कूलम, तो एक कूलम बराबर क्या हो जाएगा, एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड। तो एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड किस में दे रखा है, इसके बी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा शरीर जब गीला होता है तो इसका प्रतिरोध कितना होता है। जब हमारा शरीर गीला होता है तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी कि कम क्यों होता है, क्योंकि हमारे नॉर्मल शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है। जब भी हमें आपने देखा होता है कि हमें जो करंट महसूस होता है वो गीले शरीर की तुलना में जो नॉर्मल शरीर है उसमें कम महसूस होता है, यानी कि जो गीला शरीर है उसमें धारा का प्रवाह ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें करंट जो है वो ज़्यादा लगता है। तो इसका लगभग जो प्रतिरोध माना जाता है वो होता है 200 से 300 के मध्य। तो हमारे शरीर जब गीला होता है तो इसका प्रतिरोध कम हो जाता है नॉर्मल शरीर की तुलना में, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है, जो आपको याद रखना है, यानी कि 200 से 300 के मध्य लगभग होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध, हमने देख अभी अभी देखा था कि मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है, नॉर्मल शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है गीले शरीर की तुलना में। तो इसमें जो लगभग माना गया है वो 30,000 के लगभग होता है, जिसके 30,000 के, यानी कि हमारे शरीर का जो प्रतिरोध वो ज़्यादा होता है गीले शरीर की तुलना में, इससे हम जो शरीर हमारा गीला रहता है उसमें करंट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं। ये हमारे घरों में ही उपयोग होता है जनरली, जो बोर्ड लगे होते हैं उनमें एक एक फ्यूज लगा होता है। वो फ्यूज क्यों लगाया जाता है कि जब भी धारा का कम या ज़्यादा हो तो वो वायर नष्ट नहीं हो। अगर वो फ्यूज ही नष्ट होगा ना तब वो हमारे वायर खराब नहीं होंगे, यानी कि फ्यूज इसीलिए लगाया जाता है। जो हमारे गर्मियों में
घरों में जो परिपथ होता है यानी कि जो तार वायर होते हैं वो नष्ट नहीं हो, केवल फ्यूज नष्ट हो, इसलिए वो फ्यूज लगाया जाता है, यानी कि हमारे परिपथ का पूरे परिपथ नष्ट नहीं हो। तो इसका बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत फ्यूज। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये आंसर बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। ओके, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।